बरेला पेंड्रा में किसानों से धान खरीदने के वादे के साथ राज्य सरकार प्रदेश में धान उपार्जन केंद्रों में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है, लेकिन अब धान खरीदी केंद्रों में नए बारदाने उपलब्ध न होने के कारण किसानों से धान की खरीदी बंद है, जिसकी वजह से किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रदेश के साथ ही सात क्षेत्र में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की गई थी, जहां किसान अपने धान का समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए बड़ी संख्या में धान खरीदी केंद्र में पहुंचने लगे। लेकिन वर्तमान में गोरेला धान खरीदी केंद्र, खोजरी धान खरीदी केंद्रों में 3 दिनों से तो वही मरवाही में 1 सप्ताह से अधिक समय से खरीदी बंद पड़ी हुई है। इन केंद्रों में किसान अपना धान लेकर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन नए बारदाने ना होने के कारण खरीदी केंद्रों में अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं। मायूस किसान अपना धान वापस ले जाने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि बारदाने ना होने की वजह से धान बेच नहीं पा रहे हैं और अब बार बार आवागमन के साथ ही धान खरीदी केंद्र का चक्कर लगाना पड़ेगा और साथ ही नया टोकन काटना पड़ेगा, उसके बाद ही धान बेचा जा सकेगा, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। गोरेला पेंड्रा मरवाही से संतोष नामदेव की रिपोर्ट। चंद्रशेखर राठौर। किस लिए पहुंचे हुए हो आज यहाँ? धान बेचने आए सर। तो क्या बोले है, क्या कैसा है? बता तो रहे हैं, बोरी नहीं है, करके कुछ बोरी है कुछ बोरी नहीं है, तो मिक्स करके देते हैं बोरी पर दाना, अब नहीं है, आएगा तो फिर आएंगे। किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत तो है, लेकिन अब कुछ थोड़ा बहुत तो दिक्कत तो अब झेलना पड़ेगा, अब इनका भी हाथ में नहीं है, अब क्या करें। अब बारदाना ना होने से कैसी दिक्कत आप लोग की? बारदाना ये है कि फिर आना पड़ेगा हमको, फिर टोकन टोकन प्रक्रिया क्या है आप लोग पूछेंगे, अभी किसी भी टोकन से चलेगा फिर नया टोकन काटना पड़ेगा। कितने दिन से बंद बता रहे हैं खरीदी यहाँ टोके बारदाना ना होने से? अब तो सर हम आज ही आए हैं, पता नहीं कितने दिन से, अभी तो नहीं मालूम है हमको। लेकिन अब परेशान हो रहे हो आप लोग भी? परेशान तो हाँ, अब तो हो जाता तो चले जाते, मतलब फिर आना पड़ेगा हमको, दोबारा आने जाने का दिक्कत बढ़ गया आप लोग? हाँ, फोन करके पूछेंगे, आके पता करेंगे कैसे कहा है सर, आया कि नहीं आया वरदाना। दूर दूर से आते हैं यहाँ किसान लोग? तो दूर दूर से बहुत आते हैं, अब हम धनगावा से आए हैं। नाम बताइए। चंद्रशेखर राठौर। जिला में बात करें तो अभी कितने किसानों ने धान बेच चुका है और अभी क्यों खरीदी नहीं हो पा रही है? अभी टोटल 819 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें 656 किसानों द्वारा बिक्री कर दिया गया है और 163 किसान बचे हुए हैं, जिनके टोकन अभी आगे डेट में कटा हुआ है और 2 दिन से बारदाना के अभाव में खरीदी बंद है। इस दौरान किसान कैसे करते हैं सर? अब किसान को आगे समझाया जा रहा है उनको कि बारदाना कमी के कारण आगे डेट में आपकी खरीदी किया जाएगा और बारदाना अपन मांग किए हैं जिला विपणन अधिकारी से, किंतु उनके द्वारा अभी बारदाना नहीं भेजा गया है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन वही है कि अब भेज रहे, कहीं से व्यवस्था करके भेजने की बात बोले हैं। दूर दूर से यहाँ किसान भी पहुँच रहे होंगे, तो उनके बीच किस प्रकार के आपके प्रति रहता है? अब वो किसानों में स्वाभाविक है कि नाराजगी जाहिर करना और उनको समझाइश दे के आगे के धान खरीदी करने के लिए उनको समझाइश दी जा रही है। शुभ नाम सर। हेमराज साहू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।